नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी, आइए चलते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की ओर। समथर के ग्राम दत्तावली में मतपेटी लूटे जाने का मामला तब और तूल पकड़ गया जब कई ग्रामीणों ने एसओजी पर बबलता से पिटाई का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवाबाद थाने में पुलिस अधिकारियों के मुर्दाबाद के नारे लगाए। पीड़ितों का कहना है कि वह इस मामले में नहीं थे, फिर भी पुलिस ने उनके साथ अमानवीय बर्ताव किया। इस दौरान पुलिस बैकफुट पर नजर आई। जब एक अधिकारी ने थाने से जाने का प्रयास किया तो महिलाएं गाड़ी के आगे आ गईं। मजबूरन अधिकारी को उतरना पड़ा। ज्ञात हो कि दत्तावली मामले में निर्दोषों को गिरफ्तार किए जाने के विरोध में गरौटा विधायक जवाहरलाल राजपूत रात लगभग 2 बजे से नवाबाद थाने पर धरने पर बैठे थे। दोपहर में जिलाधिकारी द्वारा वार्ता के लिए बुलाने पर विधायक चले गए। सूत्रों से पता चला कि वार्ता में गिरफ्तार लोगों को छोड़ने पर सहमति बन गई। इसी बीच बड़ी संख्या में महिलाएं व अन्य कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और एसओजी पर निर्दोषों को बर्बरता से पीटने का आरोप लगाया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और जमकर हंगामा किया। थाने में मौजूद पुलिस अधिकारी व फोर्स मूक दर्शक बना रहा। कार्यकर्ताओं ने दोषी एसओजी टीम के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। जैसा कि आपको अवगत कराया जा चुका है, थाना संथर के दतावली गांव में चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो पक्षों में और मतदान अधिकारी के मध्य विवाद हो गया था, जिससे मतदान में बाधा भी पड़ी थी। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना संथर पर। उस अभियोग में कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। वीडियो एविडेंस के आधार पे एनालिसिस की गई तो उसमें 5 व्यक्ति अपराध में शामिल पाए गए, जिनके नाम ब्रिजमोहन, अनिल, राहुल कुशवाहा, अभिषेक और धर्मेंद्र थे। अन्य 11 व्यक्तियों को जो पूछताछ हेतु हिरासत में लिए गए थे, उनको छोड़ दिया गया है। एक पार्टी के माननीय विधायक जी द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्तियों को निराधार घटना में शामिल दिखाया जा रहा है, और उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया गया था कि मतदान अधिकारी और अन्य लोग भी इसमें दोषी है। इस संबंध में विस्तृत जांच के आदेश उच्चाधिकारियों द्वारा दे दिए गए हैं और अभियोग की विवेचना करके विस्तृत जांच करके कार्रवाई की जाएगी। लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अब भी संभलिए और कोविड के नियमों का पालन करें। मास्क पहने, घर से तभी निकले जब कोई आवश्यक कार्य हो, यदि निकले भी तो मास्क पहन। आप सभी लोग घर बैठे देखते रहिए बुंदेलखंड की तमाम खबरें। कोविड की लगातार अपडेट्स और सरकार की सभी गतिविधियों पर होगी बुंदेलखंड न्यूज 24 की नजर। और इतने कम समय में बुंदेलखंड न्यूज 24 को जो आपने प्यार दिया है और उसे नंबर 1 बनाया है, उन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24, खबर हर पल की जो तहता।